हाथ पैर या चेहरा 15 मिनट इसे लगाएं, रंग इतना गोरा होगा कि। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। इस उपाय को रात को सोने से 15 मिनट पहले आप अपने चेहरे पर लगाइए और आपको कमाल के असर देखने को मिलेंगे। प्रदूषण, धूल मिट्टी दोस्तों ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा सामना हर रोज होता है। इससे हमारे चेहरे की रंगत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, चेहरे पर दाग धब्बे निशान आने लगते हैं और पोल्यूशन की वजह से दोस्तों हमारे चेहरे से जुड़ी समस्याएं 50% से भी अधिक बढ़ जाती है, जिसमें चेहरे का रंग काला पड़ना, रोम छिद्रों का खुल जाना और झुर्रियां आना एक आम बात है। लेकिन ये उपाय, इस उपाय को दोस्तों आपको हफ्ते में 3 बार अपने चेहरे पर लगाना है और चेहरे का रंग, दाग धब्बे, त्वचा पर आने वाले निशान को ठीक करेगा। इसी के साथ साथ आपके स्किन पोर्स टाइट करेगा, जिससे आपकी त्वचा पहले ज्यादा जवान दिखेगी। इस उपाय को हमें कैसे तैयार करना है, आइए देखते हैं। इस उपाय को तैयार करने के लिए हमें दोस्तों पहले यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा लेना है। त्वचा में नए सेल्स का निर्माण करने के लिए और चेहरे की रंगत सुधारने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन पोर्स को टाइट करने के लिए चावल का आटा बहुत फायदेमंद है। इससे दोस्तों हमारी त्वचा टाइट होकर यंगर दिखती है और डेड स्किन सेल्स हटते हैं, जिससे हमारे चेहरे का कालापन दूर होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर चावल का आटा थोड़ा सा लेना है। हम क्या करेंगे, हम इस तरह से चावल का आटा बनाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास घर में चावल है तो आप उसे ग्राइंड कर लें और पीसने के बाद आप इस तरह से एक कटोरी में चावल का आटा निकाल लीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 1 कप दूध लेना है। दूध दोस्तों हमें कच्चा दूध का इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपको ये चावल मिलाने हैं। हम यहाँ पर 1 कप कच्चे दूध में 2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे और इसे धीमी आंच पर गर्म करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों ये दूध गर्म होगा, वैसे वैसे ये क्रीम की फॉर्म में बनता जाएगा। दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्किन पोर्स की सफाई करने में और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए, यानी कि बेबी सॉफ्ट स्किन जिसे हम कहते हैं, वैसा बनाने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा है। आप दोस्तों इसे गर्म कर लें और जब ये इस तरह की क्रीम बनने लगे, तब आप गैस से इसे उतार लीजिए और ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद दोस्तों ये सारी की सारी क्रीम हम एक खाली बाउल में डाल लेंगे। आप इस तरह का एक बाउल ले सकते हैं और उसमें ये सारी क्रीम को निकाल लीजिए और ये आपको इस तरह से दिखेगी। ये क्रीम दोस्तों पूरी तरह से नेचुरल है, जिससे ये आपकी स्किन पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन इस उपाय के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज लेनी है और वो है ये ताजा टमाटर। आप घर पर पड़ा हुआ टमाटर ले सकते हैं और उस टमाटर को हम एक चाकू की मदद से ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। आप इसका थोड़ा सा हिस्सा काट लीजिए और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर कॉफी पाउडर चाहिए। मैंने ये नेस्कैफे यहाँ पर ली है। कॉफी पाउडर दोस्तों स्किन एक्सफोलिएट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे दोस्तों हमारी त्वचा की डीप क्लींजिंग होती है, चेहरे के अंदर से सफाई होती है, जैसे नए सेल्स का निर्माण होता है और चेहरे पे एक नई स्किन आती है जो पहले से और भी ज्यादा ग्लो करती है। आपको दोस्तों यहाँ पर इस कॉफी पाउडर को लेना है और इसका जो एक बार के लिए जितना भी पाउडर होता है, हम यहाँ पर ये जो टमाटर हमने काटा है उसके ऊपर डाल लेंगे। अब इसमें डालिए और उसके बाद हम इस उपाय का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आइए देखते हैं। इस उपाय के दोगुने असर देखने के लिए दोस्तों हमें पहले स्किन को एक्सफोलिएट करना होगा और एक्सफोलिएट करने के लिए हम यहाँ पर पहले ये टमाटर लेंगे और इस पर कॉफी डालकर इसे अपनी त्वचा पर अच्छे से रब करेंगे। जहां पर भी आपको इसे लगाना है, आप अपने चेहरे पर, गर्दन पर अगर आपके बहुत कालापन है, मैल जमा हुई है, हाथ पैर पर, घुटनों पर, जहां पर भी आप इसे पूरे शरीर पर लगाना चाहते हैं, वहां पर इसे अच्छे से रब कीजिए। और इसे रगड़ते समय आपको क्या करना है कि इसे हल्का हल्का दबाते रहना है, जिससे टमाटर का रस इस कॉफी पाउडर में मिलेगा और ये स्किन को तेजी से एक्सफोलिएट करेगा। आपको दोस्तों इसी तरह से इसे 5 मिनट तक रब करना है। इससे आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग होगी, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे और किसी तरह का त्वचा पर बैक्टीरिया जमा हुआ है वो साफ होगा। और 5 मिनट तक रब करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ताजे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्रीम को लगाना है। इस क्रीम को दोस्तों हम चम्मच से, आप देखिए कुछ इस तरह से, इतना सा इसे लीजिए और जहां पर हमने स्किन को एक्सफोलिएट किया है वहां पर इसे डालकर इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। आप अगर इसे अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो चेहरे पर अच्छे से फैला दें, या फिर अगर आप कोहनी, घुटने पर या गर्दन पर अगर आपके कालापन है, बैक्टीरिया बहुत है, वहां पर लगा रहे हैं तो वहां पर भी इसे आपको अच्छे से लगाना है। ऐसा करने से दोस्तों ये क्रीम आपकी स्किन पर 2 गुने रिजल्ट दिखाएगी। आपकी त्वचा पर पिगमेंटेशन है, चेहरे पर झुर्रियां है, दाग धब्बों के निशान है या चेहरे का कालापन हटाने के लिए रात को सोने से 15-20 मिनट पहले आप इसे लगा सकते हैं और जब आप इसे लगा ले 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को पानी से धो लें। हफ्ते में इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आप 3 बार कीजिए और चेहरे का कालापन ठीक करने के साथ साथ ये क्रीम दोस्तों आपके चेहरे पर सनस्क्रीन का भी काम करेगी, यानी कि धूप से आपको बचाएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।